एक दिन गांधी जी अपने आश्रम में बैठे थे और उनके पास एक खबर आती है कि दिल्ली में एक 6 साल की लड़की ये बोल रही है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसे अपने पति के पास वापस जाना है। आपको यही लग रहा होगा ना कि ये कैसे हो सकता है। गांधी जी के दिमाग में भी यही चल रहा था कि ये आखिर कैसे हो सकता है। ये कहानी है 6 साल की बच्ची शांति देवी के बारे में, जो 1935 से 1950 तक सबसे चर्चित महिलाओं में से एक रही हैं। दुनिया भर से कई स्कॉलर्स ने इनकी लाइफ पे स्टडी की है कि क्या सच में पुनर्जन्म हो सकता है, क्या सच में कुछ अधूरा छूट जाने पर इंसान वापस उसे पाने के लिए जन्म ले सकता है, क्या मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। इन सवालों के जवाबों ने हर इंसान, हर स्कॉलर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं शांति देवी की मिस्ट्री के बारे में कि इनकी लाइफ का सच आखिर था तो था क्या। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 दिल्ली में हुआ था। 3 साल की उम्र में तो ये कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन जैसे ही ये 4 साल की हुई तो ये अपने पेरेंट्स से कंटिन्यूअसली ये कहने लग गई कि उनको अपने असली घर 145 किलोमीटर दूर मथुरा में जाना है। अब एक 4 साल की बच्ची ऐसी कोई बात बोलेगी तो ऑब्वियसली कोई उसकी बात पर क्यों भरोसा करेगा। लेकिन शांति देवी 2 साल तक यही बात कहती रही कि उनका घर मथुरा में है और उन्हें अपने पति केदारनाथ के पास वापस जाना है। जब उनकी बात को सबने अनसुना कर दिया तो 6 साल की शांति देवी घर से मथुरा जाने के लिए भाग गई। असफल होकर जब वो घर वापस लौटी तो उन्होंने अपने स्कूल में ये बातें करना शुरू कर दिया। उनके पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स को अब बहुत चिंता होने लग गई थी, क्योंकि शांति देवी ने बताया कि वो अपने पिछले जन्म में बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही मर चुकी थी और उनके पति गोरे थे, उनके लेफ्ट गाल पर एक बहुत बड़ा स्पॉट है और वो चश्मा पहनते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति की कपड़ों की दुकान है जो द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। हेडमास्टर को इस बात की बहुत चिंता होने लग गई थी तो उन्होंने मथुरा में जाकर इस बात को क्रॉस चेक किया और द्वारकाधीश मंदिर के सामने उन्होंने देखा कि शांति देवी के बताए फीचर से एग्जैक्ट मैच करता हुआ एक आदमी जिसका नाम केदारनाथ चौबे था उसकी कपड़ों की दुकान थी। इतना ही नहीं, केदारनाथ की पत्नी 10 साल पहले बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही मर चुकी थी, जिनका नाम था लुगड़ी देवी। हेडमास्टर के इंसिस्ट करने पर केदारनाथ शांति देवी से मिलने को तो तैयार हो गए, लेकिन उनके बड़े भाई बनकर। लेकिन शांति देवी ने उन्हें देखते से ही पहचान लिया और उनके साथ एक आए 10 साल के लड़के को भी पहचान लिया कि वो उन्हीं का बेटा नवनीत लाल था। इसके बाद उन्होंने अपने जन्म से मौत तक की सारी बातें बताई, ये भी बताया कि मौत से पहले उनकी कितनी सर्जरीज हुई थी। लेकिन पति साहब को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी तो उन्होंने अकेले में शांति देवी से पूछा कि उनको पास्ट लाइफ में आर्थराइटिस था तो इतना दर्द होने के बावजूद वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। इस पर शांति देवी ने उनके और केदारनाथ के बीच हुए पूरे इंटरकोर्स को डिस्क्राइब किया। उन्होंने ये भी बताया कि केदारनाथ ने अपना प्रॉमिस तोड़कर दूसरी शादी की है। अब जाके सबको ये तो बिलीव होना ही था कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है। मीडिया, प्रेस और अखबारों में शांति देवी की खबर आग पकड़ने लग गई थी। जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जानकार और एक्सपीरियंस्ड 15 लोगों की कमेटी बनाई, जिनका काम था इस न्यूज को पूरी तरह वेरीफाई करना कि ये कितनी सच है। 15 नवंबर 1935 को जब रिसर्च शुरू हुई तो कमेटी मेंबर्स के साथ जब शांति देवी मथुरा स्टेशन पर उतरी तो उन्होंने वहां एक अनजान आदमी को देखकर कहा कि वो उनके जेठ जी हैं, और पूछने पर पता चलता है कि सच में वो आदमी केदारनाथ के बड़े भाई बाबूराम चौबे थे। कमेटी मेंबर्स तो ये भी डाउट कर रहे थे कि क्या वो रियल में ये सब कुछ होते देख रहे थे या ये सब कुछ बस एक कहानी थी। अब तक की बातें हजम करना मुश्किल हो रहा था, उतने में शांति देवी एक टांगे वाले को अपने घर तक का रास्ता बताते हुए सभी को अपने घर पर ले जाती हैं। रास्ते में वो शहर में हुए बदलाव को भी बताते जा रही थी, जो कि बिल्कुल सही थे। हैरानी की बात तो ये थी कि शांति देवी पहली बार दिल्ली से मथुरा में गई थी
लेकिन उधर की भाषा वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो हमेशा से वहीं रहती थी। घर पहुंचने के बाद उन्होंने सभी घर वालों की बिल्कुल सही पहचान बताई और कमिटी से कहा कि सेकंड फ्लोर पे एक फ्लावर पॉट के नीचे उन्होंने कुछ पैसे दबा कर रखे थे जो उन्हें वहीं मिलेंगे। कमिटी ने चेक किया तो उनको फ्लावर पॉट तो मिला लेकिन उसके नीचे पैसे नहीं मिले, जिसके बाद केदारनाथ ने यह एक्सेप्ट किया कि अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने वो पैसे निकाल लिए थे। कमिटी ने अपने फाइल में ये कन्फर्मेशन दे दिया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है, हालांकि उसकी शादी वापस केदारनाथ से नहीं कराई गई। ये जहां तक पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि भले ही शांति देवी लुगड़ी देवी थी लेकिन फिजिकली वो बस 9 साल की थी। बहुत लोगों ने इस कहानी का सपोर्ट किया लेकिन बहुत लोगों ने इस कहानी को फेक भी बताया। ऐसे ही एक रिसर्चर और रीइंकार्नेशन स्टडीज के स्पेशलिस्ट इयान स्टीवेंसन ने इस हादसे को एकदम सच कहा है, क्योंकि इतने प्रूफ्स और डिटेल्स पास्ट लाइफ के बारे में देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे ही एक ऑथर और क्रिटिक स्ट्योल ऑनस्ट्रैंड ने स्वीडन से भारत में आकर ये कहा कि ये फेक है, लेकिन डिटेल्ड स्टडी करने के बाद उन्होंने भी इसे सच माना है। पास्ट लाइफ अगर होती है तो कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हिस्ट्री भी विटनेस की होगी और आज वो प्रेजेंट में भी जी रहे होंगे। पास्ट लाइफ के पीरियड को भी हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। वो आदमी जहां तक 10 साल पुराना भी हो सकता है और 1000 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये बात बस एक फैंटेसी में हमें डुबा देती है और दिमाग एक टाइम के बाद कंफ्यूज होने लग जाता है। कई मिस्ट्रीज दिमाग में एक साथ घूमने लग जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका कोई जवाब हमारे पास नहीं है, है तो बस थियरीज। आपको पास्ट लाइफ के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ।